हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय राम जी की। दोस्तों आज मैं हूँ अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे यमुनानगर और यमुनानगर के बाद आगे जाएंगे जर्नी देखते हैं। पहले मैं मेरे दोस्त से मिलूँगा यमुनानगर तरुण से, उसके बाद हम दोनों एक साथ मिल के जाएंगे देहरादून या मनाली साइड कहीं भी, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो छुट्टियाँ थी तो सोचा क्यों ना कहीं घूम लिया जाए। अभी मैं यहाँ से 14681 गाड़ी नंबर है वो पकड़ूंगा, प्लेटफार्म नंबर से 5 से चलेगी, देखते हैं हमें किस टाइम तक पहुँचाती है हमारी गाड़ी, टाइम पे पहुँचाती है लेट पहुँचाती है। 4.25 घंटे की जर्नी रहेगी तो आपको जर्नी भी दिखाएंगे और यमुनानगर पहुँच के आपको अपडेट देते हैं, बाकी रास्ते की जर्नी दिखाएंगे और इसके आगे के व्लॉग्स में हम डालेंगे अपनी जर्नी जो हमारी होने वाली है देहरादून या जहाँ पे भी हम घूमने जाएंगे वहाँ की। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जर्नी पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। भाई जी, भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये है भाई मेन एंट्रेंस जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एंट्री करने के, एक्चुअली यहाँ पे 2-3 एंट्रेंसेज है बट दिस इज़ वन ऑफ द मेन एंट्रेंस। मैं अभी आया हूँ वहाँ पे उस साइड मेट्रो स्टेशन की साइड से, वहाँ मेट्रो स्टेशन के एग्जिट से मैंने लिया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल एग्जिट लेते ही आपको नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, यहाँ से अपन को एंट्री भी मिलेगी। ये कहाँ से मिलेगी देखना पड़ेगा भाई। भैया तो मैंने अंकल आंटी वाला काम कर दिया, रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे पहले पहुँच गया। भाग लो भाग के ट्रेन पकड़ लो पहले ही बहन, तो टाइम पे आ गई ट्रेन, तो मैं पहले पहुँचाऊँगा तो ट्रेन कुछ टाइम से आ जाएगी। अब यहाँ कुत्तों की तरह पसीने में सड़ते रहो, वेटिंग रूम इतनी दूर है, वहाँ जाने में वैसे ऐसे ऐसी हो जाएगी, तो पड़े रहते 1.5 घंटा भैया अभी यहाँ पे। जब ट्रेन आएगी, गाड़ी आएगी, जब चलेगी चलेगी, डेट है 2:20 पे आएगी, 41 हो गए, 40 मिनट बची है, 40 मिनट तक, तो 40 मिनट भी बहुत है यार। खैर निकाल लेंगे बहन, जो 27-28 साल की ज़िंदगी निकल गई, 40 मिनट और निकल जाएगी। 27-28 साल की ज़िंदगी का पता नहीं चला 40 मिनट का कैसे चलेगा, तो इसीलिए ज़िंदगी का पता चलता रहे कि जी रहे हैं, बीत रही है, इसीलिए घूमते फिरते रहना चाहिए भाई। इसलिए हम भी घूमने जा रहे हैं अब, ठीक है, कि कम से कम लाइफ ऐसी ना होगी भाई, जी ली कट गई ख़त्म, बहन जो मर गए एक दिन, ठीक है, तो इसीलिए टाइम का पता चले इसलिए घूमना फिरना जरूरी है भाई। यो रेल वाले ने उल्टा गियर लगा दिया और पीछे भाग रहा है, देखिए इंजन जी बने इंजन के पीछे भाग रहा है भाई, तो बतानी पड़ेगी अग जा के भाई, उल्टा गियर ला गया तेरी गाड़ी का, रोक ले इसने, रोक दे मित्र रोक दे। वैसे यार मजाक से हटके एक बात है, अभी मैंने जहाँ से एंट्रेंस की थी ना वहाँ पे स्कैनर होते हैं, ठीक है, बॉडी स्कैनर होते हैं भाई, बैग चेक करने के लिए स्कैनर होते हैं, ओके, कि भाई कोई आतंकवादी आए तो पहले पता चल जाए बम वम ले रहा है नहीं ले रहा है। यहाँ पे देखो ये प्लेटफार्म नंबर 5 है, ठीक है, यहाँ से सामने देखो ये रोड है और यहाँ से कोई भी आ जाओ, कैसे भी आ जाओ, चाहे कुछ भी ले आओ, कोई मतलब नहीं है। सो इट डजेंट मेक सेंस कि भाई कोई आतंकवादी आएगा तो बहन जो स्कैनर से होते हुए आएगा, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो इतनी बढ़िया सिक्योरिटी है कि यार मतलब इससे सीखना ही ले तो बढ़िया है। तो भाई अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन आने वाली है और यहाँ पे अपनी ट्रेन आएगी D5 कोच, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे देखो ये प्लेटफार्म नंबर 5 पे धर्मकर्म का काम कर रहे हैं सरकार जी, ये खाना खिला रहे हैं यहाँ पे सबको, बट ये खाना खिलाने के चक्कर में देख प्लेटफार्म की क्या स्थिति हो गई, बट टू से ये सही है या गलत है, बट यार हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। या तो खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ से इसको साफ सफाई करके जाए, यही बात यहाँ पे खड़े होंगे ये जाने के बाद लोग, और उसके बाद भैया फिर ट्रेन में चढ़ेंगे, ट्रेन भी गंदी क्या फ़ायदा। नहीं भाई हमारी ट्रेन अभी पहले यहाँ पे खाली हो रही है, मैं 53 नंबर की सीट है अभी ये गाड़ी आई है, पहले खाली हो रही है, ठीक है, लेकिन लोगों को देखो जैसे कि अभी छूटने वाली, छूटने में भी 1.25 घंटा है, मतलब कम से कम 1.25 घंटे के बाद चलेगी, लेकिन चढ़ने के लिए ऐसे तैयार हो रहा है जैसे बस निकलने में 1 मिनट रह गई। ऑब्सेशन देख रहे हो कितना है भाई। फाइनली अभी अपन भी चलते हैं, सीट लेते हैं अपनी, मैं भाई अपनी 53 नंबर की सीट तेरी, चलो सही सीट मिली यार, किसी ने आकर विंडो सीट नहीं ली तो मस्त व्यू लेते जाए यहाँ से भाई, बढ़िया। तो भाई अभी हम सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए, सहारनपुर टाइम पे पहुँच गई थी, बट यहाँ से चलते चलते शायद ट्रेन लेट हो सकती है। यहाँ पे अभी अपने छोले भटूरे खाए हैं जो कि बहुत बढ़िया थे, मतलब रेलवे स्टेशन के छोले भटूरे हो या कुछ भी खाना डर लगता था, बट भाई बहुत बढ़िया छोले भटूरे थे वो खाए हैं, पेट गुजारा हो गया। दीप अपना जल्दी से यमुनानगर पहुँच के वहाँ पे देखते हैं क्या, मतलब देखना क्या है, आगे खाना पीना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, कल फिर से निकलेंगे घूमने फिरने के लिए। ये हमारी ट्रेन है भाई। तो भाई यमुनानगर पहुँच चुका हूँ, ये मेरा बच्चा लेने आया है मेरे को,
और अभी घर जाएंगे, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होंगे, खाए पियेंगे, सोएंगे और कल की तैयारी करेंगे। जो मेरा बेटा है और थोड़ा सा लेट आया है, दूसरे गेट पकड़ा था। आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं भाई साहब है, हैंडसम मुंडे के साथ है। इसके चेहरे पर सब्सक्राइब कर दो, मेरे बना करते हो। चलो भाई मिलते हैं अगले व्लॉग में, कल जय राम जी की। सब्सक्राइब कर लियो और बेटे कल बढ़िया कंटेंट आएगा।